एक और हॉरर वीडियो पे रिएक्शन है। टाइटल है ये 10 भूतिया वीडियोस आपको सोने नहीं देंगी, टॉप 10 घोस्ट कॉट ऑन वीडियो। और तो भाई थैंक यू गाइस, आपने चैनल सजेस्ट किया जहीर स्टाइल, तो बहुत अमेजिंग वीडियोस है इनकी यार। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और वीडियोस चेकआउट करेगा चैनल की, बहुत अमेजिंग वीडियोस होने वाली है, हॉरर से रिलेटेड काफी वीडियोस है चैनल पे। तो कान में ईयरफोन लगा लेते हैं। और अगर गेमिंग पसंद है तो ये हमारा गेमिंग चैनल भी है, रात को 10 बजे आ जाते हैं यार, कभी कभी बेइज्जती करा लेते हैं गेम में, ज्यादातर मैं हार जाता हूं। बेइज्जती कराता है, मैं अच्छा खेलती हूं। ये भी ठीक है। 1 2 3 गो। له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه। Hey, what's up, lovely people? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज हम देखने वाले हैं डर का सामना और साहस की जीत। ये बात तो तय है, जहाँ पर भी साहस और डर का सामना होता है, जीत तो हमेशा साहस की ही होती साहस है। की होती तो हमारे इस वीडियो में ऐसे ही कुछ लोगों को हम देखेंगे जो कि अपने डर का सामना साहस से कर रहे हैं और उनके साहस की वजह से उनकी जीत भी हो रही है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे जैसा भी डर जिंदगी में आ जाए, हमेशा अपने साहस को ऊपर रखिए और उसका सामना करिए। इसी के साथ करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। बिल्कुल। ये वीडियो अपलोड किया है एक्सप्लोरिंग विद फेलिसिटी ने। वो लैंकर शहर के कब्रिस्तान में है जहां पर ये मूर्ति लगी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक औरत की मूर्ति है और अगर दंत कथाओं की माने तो ये औरत अपने बच्चे को ढूंढती है। यहाँ पर फेलिसिटी इस मूर्ति के सामने खड़ी हुई है। जब वो इससे बात करती है तब अचानक से ये होता है, I stolen your baby. Eyes open. How could I? Step पहले तो इस मूर्ति की आंखें अपने आप खुलती हैं। देख देख देख। उसके बाद में ऐसा लगता है कि मानो इस लड़की को किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। अच्छा। इतना होने के बाद उन्हें वहां पर बिल्कुल भी सही फील नहीं होता। वो फौरन वहां से जाने का फैसला करती हैं। और जब वापस जाती है तो रास्ते में उन्हें कुछ इस टाइप की आवाजें आ रही होती है। ये आवाजें तो उन्हें परेशान करती ही हैं। साथ में जब वो आगे बढ़ती हैं तो झाड़ियों में उन्हें एक परछाई जैसा फिगर नजर आता है। उसके बाद वो जब उसे फॉलो करती हैं तो वो थोड़ी दूरी पर जाकर गायब हो जाता है। ये सारी चीजें देखकर और सुनकर उन्हें उन दंत कथाओं पर यकीन हो जाता है जो कहते हैं कि यह जगह श्रापित है। यह वीडियो अपलोड किया है अब्दुल्ला अलनबरी ने, जो कि एक सुनसान जगह का जायजा ले रहे होते हैं। वो जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनके हाथ में एक बहुत तेज रोशनी वाला टॉर्च होता है। उसके बावजूद जब ये एक कमरे के अंदर इसे डालते हैं तब सामने एक परछाई नजर आती है। दिख रही है वो? देख 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 देख। हाँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये परछाई नजर आ रही है और थोड़ी देर बाद अचानक से ये गायब हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं देखा तूने, वो एकदम से गायब। जगह को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद उन्हें ये दिखता है। ये देखकर बेशक वो थोड़े से घबरा जाते हैं। फिर से कोई गया। एक लास्ट बार ये अपने पूरे शेप में इन्हें नजर आता है। वो गया वहां से। देख वो गया। जब वो इन खंडर पड़े हुए मकानों में से एक मकान में जाते हैं तब वापस से ये फिगर उन्हें एक दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है मानो ये क्रिएचर भूत प्रेत जिन जो भी है वो इनका पीछा कर रहा हो। ये जहां भी जाते हैं ये वही नजर आने लगता है। जब ये फाइनली इस बिल्डिंग से बाहर जाने का सोचते हैं तब भी ये विंडो में नजर आता है। फिर ये कुछ दुआएं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه। आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, अपना कमेंट जरूर दर्ज करवाएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है मॉडर्न मोम्बी ने। यह हादसा तब का है जब वो अपनी कार में पेट्रोल भरवा रही होती है। पेट्रोल वो देखती है कि पेट्रोल पंप के पीछे से एक आदमी उन्हें कंटिन्यूअसली घूरते जा रहा है। वो अपना कैमरा कंटिन्यूअसली ऑन रखती है और कई बार बीच में वो हाथ से इशारा करके भी ये बोलती है कि ये देखिए ये आदमी कंटिन्यूअसली मुझे घूरे जा रहा है। शायद वो ये सोचकर ऐसा करती है ताकि वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाए और ये करना बंद कर दे। लेकिन वो आदमी भी बिल्कुल ही बेशरम नजर आता है क्योंकि वो अपनी नजरें वहां से नहीं हटाई नहीं रहा ना। लड़की का कैमरा ऑन करके रखने का एक ये बेनिफिट होता है कि अगर शायद वो कैमरा ऑन नहीं रखती तो ये आगे और भी बड़ी खुस्ताखी कर सकता था। आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि इस टाइप के लोगों का क्या करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट।
सही क्या बंदे ने। ये वीडियो अपलोड किया है डोनाल्ड चेस्टर ने और ये वीडियो काफी पुराना है, सन 2003 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर एक धुएं जैसी आकृति बनती हुई नजर आती है। डोनाल्ड ये दावा करते हैं कि ये एक छोटी बच्ची का भूत है। अगर आपने भी रियल लाइफ में इस टाइप की कोई घटना देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। वो बन रही है। ये जो बड़ी सी इमारत आपको यहाँ नजर आ रही है ये सुनसान पड़ी हुई है और इसे हॉन्टेड यानी कि भूतिया माना जाता है। यहाँ पर एबंडेंट वर्ल्ड एक्सप्लोरर नाम की टीम जाती है और अपना रिसर्च करती है। सबसे पहले वो देखते हैं कि जमीन के ऊपर लाल कलर के धब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। घर पूरी तरह से सुनसान है और हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ तहखाने में उतरना स्टार्ट करते हैं। गोडाउन में जा रहा है। काफी ज्यादा गहरा होता है। तकरीबन 3 मिनट तक वो इसी टाइप से नीचे उतरते रहते हैं। नीचे के जो रूम है उनकी हालत काफी खराब नजर आती है। वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पीछे से कोई गुजर कर गया हो। आवाज भी आई थी। ये लोग अपनी रिसर्च के बाद ये बताते हैं कि जब हम तहखाने में थे तब हमें ऐसा लगा कि नीचे के जो रूम से तहखाने के वहां पर जबरदस्ती किसी को बंद करके रखा गया होगा। हो सकता है उन्हीं लोगों की आत्माएं यहाँ पर लोगों को परेशान करती हों। ये वीडियो अपलोड किया है डार्क हॉन्ट्स वीडियो ने। आज एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जिसे भूतिया यानी कि हॉन्टेड माना जाता है। इस रोड के ऊपर एक स्कूल बस पलट गई थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था और सारे ही लोगों की वहां पर मौत हो गई थी। बताया जाता है कि उन बच्चों की आत्माएं आज भी यहाँ पर भटकती है। अगर यहाँ पे प्रचलित कहानियों की माने तो यहाँ पर जो भी गाड़ी आप खड़ी करते हैं और उसका गियर न्यूट्रल कर देते हैं तो ये गाड़ी अपने आप ही आगे की तरफ चलने लगती है। क्योंकि कहा जाता है कि जिन बच्चों की यहाँ पर मौतें हुई थी वो गाड़ी को पीछे से धकेलते हैं, जो हमने जस्ट अभी देखा ही है। हाँ, वीडियो में न्यूट्रल करा था उसने। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है दुबई 7 ने, जो एक घर में कुछ सामान लेने जाते हैं। वहां पर 2 ड्रम है, वही इनको बाहर लेकर आना है। लेकिन वहां पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, तो वो अपना कैमरा और टॉर्च दोनों ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर दरवाजे अपने आप बंद चालू होते हैं, चीजें अपने आप ही गिरने लगती हैं और कई आवाजें भी इन्हें सुनाई देती हैं। तो लगता ही है। जबकि उस टाइम घर में इनके अलावा और कोई नहीं रहता। फिर इनकी नजर सामने पड़ती है कि वहां पर एक बिल्ली बैठी है, जिसे देखकर वो अपने दिल को समझाते हैं कि शायद ये सारी चीजें बिल्ली ही कर रही होगी। लेकिन उसी के फौरन बाद ये घटना घटित हो जाती है। घर से बाहर चले जाते हैं और देखते हैं कि घर की खिड़कियां अपने आप ही बंद चालू हो रही है। ये वीडियो अपलोड किया है डॉनी ट्रंकार्ड ने, जो बताते हैं कि उनके घर के बेसमेंट में कुछ अजीबोगरीब परछाइयां उन्हें नजर आती हैं, जो बहुत तेज स्पीड में सामने आती हैं और अचानक से कहीं गायब हो जाती हैं। तो आज उन्होंने सोचा क्यों ना कैमरा लेकर उसकी पड़ताल की जाए। वो वहां पर जाते हैं और तेज आवाज में म्यूजिक बजाना स्टार्ट करते हैं और 20 मिनट के बाद उन्हें ये छवि नजर आ जाती है, जो बहुत तेज होती है। जिस डायरेक्शन में ये परछाई जाती है उसके ऊपर की लाइट्स भी सेम टाइम पे हिलने लगती हैं। तब टोनी बेसमेंट के गलियारे में उस स्प्रिट से बात करने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर रखी बॉटल्स अपने आप ही नीचे गिरने लगती हैं। You are not welcome here. ऐसी घटनाएं कई बार हमारे सामने भी होती है, बट हम उसे एक कोइंसिडेंट मानकर छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अपलोड किया है ऑल कैपोन 3 ने, जो कि एक कब्रिस्तान में जाकर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो और उनकी दोस्त जब यहाँ पहुंचते हैं तो काफी अजीबोगरीब आवाजें उन्हें सुनाई देती है। Okay, things moving behind tombstones while I was driving. 4 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें उनके पीछे कुछ सुनाई देता है। No, behind me. Oh, you heard the... behind you. I heard. No, I heard what was by you, but I'm saying by the cars, like. हद तो तब हो जाती है जब उन्हें एक बार ऐसा लगता है कि वो बोल रहे हैं और उन्हीं के साथ में किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है। वो ये सुनकर हैरान रह जाते हैं।
हमने भी सुना यहाँ पर कई आवाजें आ रही हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ से हाईवे काफी ज्यादा दूरी पर है और जो आसपास घर होते हैं वो भी यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये आवाजें कहीं दूर से आ सकती हैं। एक तो ये विचार हम बना सकते हैं, दूसरा ये कि वाकई में यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से ये आवाजें यहाँ सुनाई दी। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहाँ पर हमने देखा कॉम्पिलेशन ऑफ सम स्केरी वीडियोस। भाई खतरनाक, ये 10 वीडियो जो थी ना भूत की, कहीं ना कहीं विश्वास करे ना करे इंसान, लेकिन फिर भी एक बार मजबूर हो जाता है माइंड में होता है कि क्योंकि कई बार तुम देखते हो ना खाली बैठो, अगर तुम्हें कुछ कपड़ा भी हिल रहा है तो लगेगा फिर माइंड में। लेकिन कुछ चीजें थी जैसे कि एक वो था ना वो जिस घर में था, पहले तो उसके अंदर बिल्ली है एकदम से जब वो डब्बा का हिला और फिर खिड़कियां हिल रही थी, क्योंकि अगर हवा का सीन होता तो खिड़की का होता, वो डब्बा का सीन नहीं होता। वो हो गया जैसे यार बहुत चीज होती है, जो बेसमेंट में उसके ऐसे शेड हो गई थी एकदम सामने से, शेड हो गई थी और आवाज आ रही थी, चीजें हिल रही थी वहां पर। जो अभी ये था कि इन्हें लग रहा था इनके अलावा भी वो है, मतलब इनके अलावा भी आवाज आ रही थी ना, क्या है? नहीं बहुत चीजें होती हैं, जैसे वो स्टार्टिंग में लड़की बात कर रही थी उससे, वो स्टार्टिंग में मूर्ति की आंख खुली थी और ऐसा लगा पीछे से किसी ने धक्का दिया। जो एक वो भी था जो स्कूल की बस पलट गई थी और फिर उसमें अब न्यूट्रल में गाड़ी अपने सामने न्यूट्रल करा, लेकिन फिर भी पीछे धक्का मारा है गाड़ी को। यार कई चीजें पता क्या होती होंगी, हम मानते नहीं क्योंकि हमारे साथ हुई नहीं है वो चीजें कई बार, और क्या पता यार जिसके साथ हुई वो हमें कितना विश्वास दिलाए, हम ना माने क्योंकि जब तक किसी के साथ होती नहीं तब तक नहीं मानते, और जिसके हुई है तो यार हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं भाई तू झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या पता वो सच भी बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे को एक वाक्य वो बताया था, दूसरे वाले घर में ऐसा लगता था मेरे को, क्या बोलते हैं कि जैसे हमारा मटका रखा होता था तो ऐसा लगता था मटके के ऊपर से कोई प्लेट हटा के उसमें से पानी पीता, ऐसे आवाज आती थी और वापस रखता था ग्लास उसके ऊपर, मेरे को धरती माँ मेरे को ऐसे आवाज आती थी, तो झूठ नहीं बोल रहा मैं, देख लो इस चीज़ में। तो सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको क्या लगता है, ऐसा कभी कुछ आपने महसूस किया है पैरानॉर्मल एक्टिविटी यार, क्योंकि और आप मानते क्या कि है कुछ ऐसी चीजें है नहीं है, जैसे कहते हैं सोते हो ठीक है सोते हो तो मैं बहुत सारी चीजें लगती हैं कि ऐसा हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस भी कई बार हो जाता है, जिन हो गया जिन भूत प्रेत आप मानते हो या आपको कोई एक्सपीरियंस है इनके साथ तो बताना, इनके साथ भाई दोस्ती आ रही हो किसी की हो सकता है जैसे तेरी, और किन वीडियोस पे आप और चैनल सजेस्ट करो यार हमें, और ऐसे हॉरर चैनल सजेस्ट करो जिनकी वीडियोस पे हम रिएक्शन आ सकते हैं, हिंदी होनी चाहिए यार वो, ताकि हमें भी समझ आए बाकी ऑडियंस को भी समझ आए। तो जाहिर स्टाइल चैनल, जाहिर कहते हैं अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जहीर या जाहिर ही होगा भाई यार, सॉरी गलत बोलता, तो जहीर स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत अमेजिंग वीडियोज होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।